हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बनी किचन। आज बनी किचन में मूली के परांठे बन रहे हैं। मेरे ये परांठे ना तो बीच से टूटे हैं ना फटे हैं, तो आप देखना कि किस तरह से बनाए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी वॉच करना, बीच में स्किप नहीं करना, तो आप नहीं तो आप ये समझ नहीं पाओगे। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए मैंने 3 मूली ली है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इस तरह से इसको पिलर की हेल्प से इसके जो पतले पतले छिलके थे वो निकाल लिए। जो भी ब्लैक डॉट्स होंगे वो सारे इसमें से निकाल लेने हैं। अब मैंने ये ग्रेटर लिया है, तो इसको मुझे जो ग्रेटर मोटी वाली साइड नहीं लेना, पतले साइड जो है वो लिया है। उस तरह से फिर ये जो मूली है उसको अच्छी तरह से आपने ग्रेट कर लेना है। सभी मूलियों को आपने अच्छी तरह से ग्रेट करना है। इस तरह से आपने सभी मूलियों को ग्रेट कर लिया है। सभी मूलियों को जब आप ग्रेट कर लोगे तो इसका एक अच्छा सा मिक्सचर जो है वो आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह से आप इनको ग्रेट कर लें। फ्रेंड्स, जब आप इसको सारा ग्रेट कर लोगे ना, तो इसमें 1 चम्मच जो है वो नमक डाल देना। नमक डालने के बाद इसको इस मिक्सचर को 10 से 15 मिनट के लिए हमने छोड़ देना है। दूसरी तरफ अब मैंने इसके लिए आटा बनाना है, तो आटे को मैंने 3 या 4 कप लिया है। जितना आपको रिक्वायरमेंट होगा ना उतना ले लें। अब इसमें मैंने जो है वो 1 चम्मच जो था पूरा भर के नहीं, आधा जो अजवाइन है उसको ऐसे क्रश करके लेना है। इससे क्या होता है, जो इसका परांठों का स्वाद है ना वो बिल्कुल अलग आता है। और अब इस तरह से इसको गूंदना है, तो गूंदने के लिए आपने पे इसको एकदम से पानी नहीं डालना, नहीं तो ये लिक्विड हो जाएगा। तो आपने इसको सॉफ्ट डो में बनाना है। तो परांठों का डो जितना सॉफ्ट होगा परांठे आपके उतने ही अच्छे बनेंगे। तो आपको आटा जो है वो अच्छी तरह से ही गूंदना है। इसके लिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा ना गूंदने के लिए, तो आप इसको अच्छी तरह से गूंद लें। अगर आप इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे तो आपका जो आटा है और सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरह से घुमाते घुमाते आप इसको जो आपका आटा है उसको बना लें। वो 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा आटा जो है बिल्कुल तैयार है। इसको जब हम फिंगर पुट कर रहे हैं तो ये आटा जो है वापस आ रहा है। एक अब मिक्सिंग बाउल लिया है, मिक्सिंग बाउल में जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, अब उसको डाल लेना है इस तरह से इस बैग में। इस तरह से जब आप डाल लेंगे तो अब आपने क्या करना है, इसको ऊपर से बांध पकड़ लेना है और जितना भी पानी होगा ना उस सारे को स्क्वीज कर देना है। ये देखो फ्रेंड, पानी सारा ही निकल गया है। सारा पानी जब निकल जाएगा ना, तो आपके पास एक ड्राई सा मिक्सचर जो है वो बचेगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मिक्सचर था तो हमारे पास कितना सा रह गया है। बट ये भी जो मिक्सचर है 10 से 12 पराठा बनाने के लिए ठीक है। तो अब इसमें आप थोड़ा बहुत जो मसाले हैं वो डाले हैं, जैसे मैंने कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, जीरा है, हल्दी है, हाफ हाफ ही मिर्च पाउडर है, हाफ गरम मसाला है और हाफ मैंने इसमें चाट मसाला मिक्स किया है। और थोड़ा सा एक पिंच मैंने इसमें हींग डाली है। हींग से जो है वो खाना जो है अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। तो अब आप इसको हाथ की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड, इस तरह हमारा मिक्सचर जो है वो तैयार है। अब लास्ट में मैंने पर इसमें एक नमक, जो नमक है वो डाला है। नमक मैंने पहले भी डाला था ना, बट आप उसको टेस्ट कर लेना ना, और जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना आप नमक डाल लें। अब एक बड़े साइज़ की लोई लेनी है। तो किस तरह से आपने इसकी फिलिंग करनी है, पहले आपने इसको आटे में डस्ट कर लेना है लोई को इस तरह से आपने। और अब आपने इसमें थोड़ा सा जो मिक्सचर है वो डालना है एक बाउल को, एक बाउल जो गोला होता है ना वो डालना है। तो इस तरह से आप इसको डालें और इसको घुमाते हुए इसके जो
सिरा है उसको इसको ट्विस्ट करते हुए इस तरह से ऊपर से टर्न कर दें। इस तरह से आपकी जो फीलिंग है ना वो सारी तरफ फैल जाएगी। आप ये वाली प्रोसेस भी करिए। तो फिर से एक बार आप, मैंने जो है वो आटा डस्ट कर लें, मैंने इस तरह सारे ही लोइयां जो है वो बना लेनी है। और अब आपने बेलन की हेल्प से इसको बेल लेना है। तो आप देख सकते हैं कि सारा मिक्सचर जो है वो इक्वली फैल गया है। अब जो है वो ढाबा स्टाइल, ढाबे में क्या करते हैं, पहले तवे में तेल डालते हैं, ऊपर से अपना परांठा रखते हैं। तो मैंने इस तरह से परांठा रख दिया है और इसके एजिस में थोड़ा थोड़ा तेल और डाल दिया है। तो इस तरह से ये हमारा ढाबा स्टाइल परांठा जो वो रेडी हो रहा है। आपको लगता है कहीं इसका जो ऑयल इवनली नहीं फैला है तो आप और तेल लगा सकते हैं या स्पून की हेल्प से उसको इक्वली फैला सकते हो। तो इस तरह से रेडी है आपका ढाबे में बनने वाले परांठे। गैस आप सिम टू मीडियम रखना, कहीं कहीं में बीच में आप फुल भी रख सकते हैं, नहीं तो आपके परांठे जल लेंगे, तो आप ध्यान रखना। अब घर में कैसे बनाएंगे, घर में तो नॉर्मली हमने तवा रखना है, उस तवे में ऊपर से रोटी, ये जो आपका परांठा है वो रख देना है और स्पून की हेल्प से आपने ये जो तेल था वो फैला देना है। तो इस तरह से नीचे वाली साइड जब पक जाएगी तो टर्न कर देना है, दोनों ही साइड आपने ऑयल स्प्रेड कर देना है। तो इस तरह से रेडी हैं आपके दो टाइप के परांठे। तो फ्रेंड आप देखिए, ये है आपका ढाबा स्टाइल परांठा और ये है घर में बना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह हमारे परांठे रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को भी दबाना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन जो वो मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय।